शुक्र है एक्स मैक, तुम्हारी हड्डी बच गई है। जी जी जय भाई। नहीं, मैं मैच करूंगा। जी जी मैं बिल्कुल करूंगा आज ही। Making his way to the ring. He is Green Cheetah. Now he's opening, making his way to the ring. He is the Kion. Finally, Kion is going to face Green Cheetah one-on-one in this singles competition. And you know who is the special guest referee in this match? He is Lucha Goblin. Lucha Goblin is playing as the special guest referee in this one-on-one fight between Kion and Green Cheetah. कायोन क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कायोन इतनी स्पीड से कभी एंट्री देते हैं, कभी स्लो वॉक करते हैं। क्या चल रहा है कायोन के माइंड में कुछ समझ नहीं आता। और ग्रीन चीता बहुत ज़्यादा ही खौफजदा हैं। ग्रीन चीता को इसलिए खौफजदा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पेशल रेफरी जो है वो लूचा गॉब्लिन है, जो ग्रीन चीता की ही कैटेगरी के हैं। कायोन ने आते ही ग्रीन चीता पे अटैक शुरू कर दिया। ग्रीन चीता ने ड्रॉप केक मार दी कायोन को, और ग्रीन चीता ने ड्रॉप केक मार के कायोन को गिरा दिया है। और ये ही इज गोइंग फॉर द पिन, 1-2 ओ कायोन किक्ड आउट। ग्रीन चीता को लगा था कि कायोन को एक ड्रॉप किक के थ्रू ही हराया जा सकता है, लेकिन कायोन इतनी आराम से नहीं हारने वाले। और ये ग्रीन चीता गोइंग टू पंच, ओ को कायोन ने ग्रीन चीता के पंचेस ब्रेक किए और ग्रीन चीता को मार रहे हैं। कायोन काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं ग्रीन चीता को, और कायोन ने आते ही फिर से ग्रीन चीता को पकड़ लिया एक सबमिशन होल्ड। और कायोन क्या जीत सकेंगे? और ये लूचा गॉब्लिन क्या कर रहे हैं? क्या लूचा गॉब्लिन कायोन को जीतते हुए नहीं देख सकते क्या? लेकिन ये रेफरी हैं इस टाइम, और ये कुछ भी कर सकते हैं कि रेफरी के पास अथॉरिटीज़ होती हैं। और कायोन ने ग्रीन चीता को पकड़ा हुआ है, और ग्रीन चीता के पास कोई रास्ता नहीं है। क्या ग्रीन चीता सबमिट करेंगे कि नहीं? ओ ग्रीन चीता ने सबमिट कर दिया। कायोन के जितने भी मैचेस हैं, कायोन एक मिनट से ज़्यादा टिकने ही नहीं देते किसी को, और सबको सबमिशन होल्ड में हरा रहे हैं। हियर इज योर विनर Kion! व्हाइट कोबरा क्या कर रहे हैं? व्हाइट कोबरा के हाथ में जॉर्डन की तस्वीर। क्या ये व्हाइट कोबरा इस तरीके से जॉर्डन हुड को चैलेंज कर रहा है ईस्टर्न चैंपियनशिप के लिए? व्हाइट कोबरा ने जॉर्डन को चैलेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, एक और सनसनीखेज एपिसोड के साथ मैं हूं आपके होस्ट नाजिश अयाज। आपने एपिसोड के शुरू में ही देख लिया कि क्यों किस तरीके से चुटकी बजा रहे मैच जीत गए, लेकिन अब देखना यह है कि व्हाइट कोबरा और जॉर्डन हुड से वो जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले देखते हैं नेक्स्ट मैच। Making his way to the ring. Ladies and gentlemen, it is now time for the REW Eastern Championship match. Now making its way to the ring, he is the challenger, White Cobra.
world champion. He is Jordan Hood. Last week we just witnessed the Jordan Hood making his debut in REW. Now Jordan has finally took his decision to join REW as the roster of REW, and he did this ugly. Joined REW, but he also shocked the whole world by winning REW Eastern Championship. And that was it, this match we just saw by Cobra challenging Jordan Hood for his REW Eastern Championship. Now we are going to watch White Cobra versus Jordan Hood for REW Eastern Championship on the line. Let's see if White Cobra is going to win or Jordan Hood is going to retain the belt. ये क्या कर रहे हैं जो वाइट कोबरा, वाइट कोबरा कभी लेफ्ट हो रहे हैं कभी राइट हो रहे हैं वाइट कोबरा. ये मैच में आते ही डस लिया जॉर्डन को वाइट कोबरा ने, आते ही डस लिया. और अब क्या करेंगे ये कि फिर उनको दिखा रहे हैं क्या, ओ माय गॉड फिर से डस लिया जॉर्डन हुर को वाइट कोबरा ने. वाइट कोबरा जिनके पास शक्तियाँ हैं, सुपर पावर्स हैं, वाइट कोबरा जो कि एक नाग है, वो दोनों सा एक बार डसने जा रहे थे लेकिन जॉर्डन हुर पे उनके जहर का असर नहीं हुआ. ये किस तरीके के कोबरा हैं जिनका जहर किसी पे असर ही नहीं करता है. और अब जॉर्डन हुर वाइट कोबरा को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं. वाइट कोबरा आपका डांस करने का टाइम ख़त्म हो गया है और अब रेसलिंग मैच शुरू हो चुका है. तो अब आपको इसी तरह क्लोज लाइन बाय जॉर्डन हुर, क्लोज लाइन बाय जॉर्डन हुर. और जॉर्डन हुर वाइट कोबरा को काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं और हेड बट बाय जॉर्डन हुड टू वाइट कोबरा. एक क्लोज लाइन मारा जॉर्डन हुड ने, फिर एक हेड बट मारा और वाइट कोबरा ने काउंटर लिया और जॉर्डन हुड को नीचे गिरा दिया. अब वाइट कोबरा क्या करेंगे, वाइट कोबरा ने जॉर्डन हुड को नीचे गिरा दिया. क्या वाइट कोबरा REW ईस्टर्न चैंपियन बनेगा या जॉर्डन हुड सक्सेसफुली अपना बेल्ट डिफेंड करेगा. और जॉर्डन हुड इज गोइंग टू जॉर्डन हुड पंचेस, फिर से वाइट कोबरा जॉर्डन हुड को मार रहे हैं और ये इनके अंदर का नाग वापस जाएगा. और क्लोज लाइन बाय वाइट कोबरा, क्लोज लाइन बाय वाइट कोबरा. वाइट कोबरा जॉर्डन हुड को पैरों से खींचते हैं, ही इज गोइंग फॉर द विन. 1 2 जॉर्डन हुड किक्स आउट ओनली ऑन 1. अब वाइट कोबरा अपने कोबरा वाले अंदाज में रेफरी को भी डराते हुए, रेफरी तो नाक से डर के भाग गया. और वाइट कोबरा अब क्या करेगा, जॉर्डन हुड के अंदर लगता है जहर फैलने लगा है कोबरा का. और वाइट कोबरा विद द किक्स, वाइट कोबरा ने आयरिश व्हिप दिया जॉर्डन हुड को और वाइट कोबरा ने डॉज किया और ये बैक एल्बो बाय वाइट कोबरा टू जॉर्डन हुड. और जॉर्डन हुड जो है वो काफ़ी बुरी तरह नीचे गिर चुके हैं और वाइट कोबरा अपना एक्शन मारते हुए जॉर्डन हुड को ये क्या कर रहे हैं, जॉर्डन हुड को वाइट कोबरा, वाइट कोबरा ने बीच में ले आए जॉर्डन हुड को और किक्स बाय वाइट कोबरा. वाइट कोबरा कॉर्नर पर चल रहे हैं, वाइट कोबरा के जहन में चल क्या रहा है. वाइट कोबरा कभी जहर मारते हैं कभी डसते हैं और जॉर्डन हुड वापस खड़े हो गए. ओ माय गॉड जॉर्डन है, जॉर्डन हुड ने काउंटर किया. अब जॉर्डन हुड क्या कर रहे हैं, जॉर्डन हुड नो जॉर्डन हुड बॉडी ड्रॉप बाय जॉर्डन हुड, बॉडी ड्रॉप बाय जॉर्डन हुड फ्रॉम द टॉप रोप. बॉर्डन जॉर्डन हुड ने बॉडी ड्रॉप मारा वाइट कोबरा को. नाउ ही इज गोइंग फॉर द प्ले मेकर, ही इज गोइंग फॉर द प्ले मेकर. इट इज द फिनिशर ऑफ जॉर्डन हुड. ओ माय गॉड प्ले मेकर बाय जॉर्डन हुड. नाउ ही इज गोइंग फॉर द विन. कमर 1 2 3 Oh my god, Jordan Hood successfully defended his REW Eastern Championship. Now here is your winner and is still the REW Eastern Champion, Jordan Hood.
Ladies and gentlemen, it is now time for the main event. Making his way to the ring, the challenger, he is Nawab. IW Winner Swarm में आज नवाब का पहला मैच है। इससे पहले आप लोगों ने नवाब को previously KMC Sports Complex में देखा था IW Fight or Die Championship के लिए। Now making his way to the ring, he is the current IW Ring of Flame Heavyweight Champion of the World. He is MF Boyka. इससे पहले नवाब को आप लोगों ने देखा था सिक्स पैक चैलेंज में KMC Sports Complex में फॉर RAW Fight or Die Championship. Now नवाब अब सिंगल्स कंपटीशन में खेल रहे हैं अगेंस्ट अहमद बॉय का फॉर RAW रिंग ऑफ स्लैम चैंपियनशिप के लिए, और मैच शुरू हो चुका है। और मैच शुरू होते ही नवाब ने अहमद बॉय का अटैक करना शुरू कर दिया और अहमद बॉय का को नीचे गिरा दिया। पंचेस किक्स और नवाब बिल्कुल भी स्लो नहीं आ रहे, और ये नवाब लगता आते ही स्पेयर की तरफ जाने लगे हैं। और अहमद बॉय का ओह नो क्लोज लाइन बाय नवाब। एक तो जब भी कोई रेसलर कॉर्नर पर जाता है समझ में नहीं आता कि वो क्लोज लाइन मारेगा। ही इज गोइंग फॉर द विन। वन बो अहमद बॉय का किक आउट। नवाब को लगता है कि अहमद बॉय का एक सिंपल से क्लोज लाइन पे वर्ल्ड टाइटल हार जाएंगे जो कि इम्पॉसिबल है। नाउ ही इज गोइंग फॉर द स्कूप स्लैम एंड ही इज रनिंग इनसाइड दिस रिंग। ओ रनिंग स्कूप स्लैम बाय नवाब। नवाब ने अहमद बॉय का को आते ही मार के एकदम खाली कर दिया है और अहमद बॉय का भुड़ता बना दिया। और अब जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है, हमें नज़र ऐसा आ रहा है जैसे कि नवाब आज चैंपियन बनकर ही जाएंगे। नवाब ने अहमद बॉय को कॉर्नर पे फेंक दिया और चॉप बाय नवाब। अहमद बॉय का को नवाब ने चॉप मारना शुरू कर दिया और अनदर चॉप बाय नवाब। नवाब अहमद बॉय का को एक नहीं मारने दे रहे और ये ट्रिपल चॉप बाय नवाब। तीन चॉप हो गए लेकिन तीसरा चॉप अहमद बॉय का ने नहीं खाया और उन्होंने काउंटर लिया और नवाब को ही कॉर्नर पे फेंक दिया और चॉप पे चॉप मार रहे हैं। नवाब अहमद बॉय का ने जिस तरह कमबैक किया है मैच में, हमें उम्मीद नहीं थी जिस तरह नवाब ने इनको मारना स्टार्ट किया था। नाउ अहमद बॉय का इज गोइंग फॉर द अहमद बॉय का क्या चाह रहे हैं, नवाब को मिडिल ऑफ द रिंग ले और डीडीटी बाय अहमद बॉय का। नाउ ही इज गोइंग फॉर द विन। वन टू ही किक्स आउट। अहमद बॉय का को लगा था कि डीडीटी पे नवाब हार जाएंगे लेकिन नवाब ने किक आउट कर दिया है क्योंकि ये एक वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी है। इसी इतनी आराम से तो कोई भी हार नहीं मानेगा। नवाब भी मैच में अभी तक हैं और अहमद बॉय का भी मैच में अभी तक हैं। अब नवाब अपने पैरों पे खड़े होने जा रहे हैं, देखते हैं ये क्या होता है। नवाब स्पेयर मारेंगे या अहमद बॉय का कुछ मारेगा। ओह नवाब ने स्पेयर की कोशिश करी लेकिन ओह नवाब एक और स्पेयर की तरफ जाए थे लेकिन अहमद बॉय का ने अपना फिनिशर उठा लिया। इनको क्या होगा इसमें, और ये ही इज गोइंग फॉर द TKO बाय अहमद बॉय का। अहमद बॉय का ने फिनिशर लगा दिया द कमर। 1, 2, 3 Here is your winner and the still REW Ring of Flame Heavyweight Champion of the World. He is Ahmed Boyka. Ladies and gentlemen, it is now time for the main event of this episode of REW Venus 4. It is for the REW Asian Championship. Making his way to the ring, he is the current REW Asian Champion. He is X-Men. आप लोगों ने देखा था एक्स मैक के ऊपर मॉक बैट ने अटैक किया। एक्स मैक तो अपनी सिर्फ बॉडी बना रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, जिम के अंदर अचानक से अटैक कर दिया।
अब इस मैच के अंदर हॉकबर्ग कोई शैतानी ना कर सके, इस वजह से चेयरमैन ने ये फैसला किया कि ये मैच जो होगा नॉर्मल रेफरी के प्रेजेंस में नहीं होगा, ये मैच जो होगा इसमें होगा स्पेशल गेस्ट रेफरी, और वो स्पेशल गेस्ट रेफरी है लूचा गॉब्लिन। नाउ हिज ओपोनेंट making his way to the ring, he is the challenger for Asian Championship, he is Hogberg. Hogberg bhi ring mein aa chuke hain, X-Mac bhi aa chuke hain, aur jo special guest referee hai Lucha Goblin wo bhi ring mein maujood hai. To dekhte hain Lucha Goblin ka special referee hona is ring mein kitna rang lata hai, is match ka faisla imandari ke sath hoga ya isme bhi koi hera pheri hogi, क्योंकि हॉकबर्ग का कुछ पता नहीं है, एक हॉकबर्ग एक जंगली जानवर है, एक बीस्ट है, उसका कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। मैच शुरू हो चुका है और दोनों ही भारी रेसलर्स रिंग में एक साथ मौजूद हैं। आरईडब्ल्यू में बहुत कम इस तरह का मौका देखने को मिलता है जहां दो बड़े रेसलर्स और दो भारी रेसलर्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले लो। यहाँ एक्स मैक और हॉकबर्ग में बहुत ही ज़्यादा जानी दुश्मनी चल रही है, दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। कभी हॉकबर्ग अटैक करते हैं और एक्स मैक्सिव अपना डिफेंड कर रहे हैं, और टाई अप होने लगा इनका दोबारा से, और ये दोनों जोर आजमाई कर रहे हैं हॉकबर्ग और एक्स मैक। एक्स मैक इस वक्त एशियन चैम्पियन है और हॉकबर्ग ने एक्स मैक को गिरा दिया, और जिस तरीके से हॉकबर्ग तैयारी में आए हैं आज तो हॉकबर्ग एशियन चैम्पियन बनकर ही रहेंगे। मेरे ख्याल से एक्स मैक में शायद इतनी हिम्मत नहीं कि वो हॉकबर्ग को हरा सकें। क्या एक्स मैक का तुक्का चला था कोहू ब्रैंडन को हराने के वक्त, या एक्स मैक वाकई इतने काबिल रेसलर हैं, ये तो पता चल जाएगा हॉकबर्ग को अगर एक्स मैक हराने में कामयाब रहे तो। और हॉकबर्ग जो है एक्स मैक को काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, और एक्स मैक मैच शुरू होने के वक्त से ही अभी तक मार ही खाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैच टोटल वन साइडेड नज़र आ रहा है, लेकिन पब्लिक का अभी भी जो जोर है वो सारा एक्स मैक की तरफ है। एक्स मैक को पब्लिक एक्स मैक को जीतता हुआ देखना चाहती है, पब्लिक जो है हॉकबर्ग की हरकतों की वजह से नहीं देखना चाह रही। और ये एक्स मैक ने काउंटर लिया, अब एक्स मैक ने हॉकबर्ग को कॉर्नर पे गिरा और पंच पे पंच मार रहे हैं, और ये शोल्डर थ्रस्ट, और अब एक्स मैक शोल्डर थ्रस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और पब्लिक पागल हो गई है शोर से। पब्लिक ने एक्स मैक का रिटर्न देखा और पब्लिक एक्स मैक के लिए पब्लिक के अंदर एक उम्मीद जागी है, और ये ओ हॉकबर्ग तो नीचे गिर गए, और नाउ एक्स मैक इज़ गोइंग फॉर द कैनन बॉल, और एक्स मैक इज़ गोइंग फॉर द कैनन बॉल बाय एक्स मैक, और पब्लिक की चैंटिंग बढ़ती जा रही है, पब्लिक का और एक्स मैक की तरह साथ और सपोर्ट कर रही है। अब एक्स मैक क्या कर रहे हैं, क्या एक और कैनन बॉल पे जा रहे हैं, ही गोइंग फॉर द अनदर कैनन बॉल, बट हॉकबर्ग जो है उन्होंने काउंटर लिया। अब हॉकबर्ग नीचे उतर गए हैं और हॉकबर्ग एक्स मैक के पैरों को अपना निशाना बनाते हुए, हॉकबर्ग ने पैर पे अटैक किया एक्स मैक के और बाहर निकाल दिया, पोल के बीच में फंसा दिया है एक्स मैक को, और ये एक्स मैक की पैर पोल पे मार दिया है हॉकबर्ग ने, एक्स मैक का पैर हॉकबर्ग ने पोल पे मार दिया है। हॉकबर्ग तो एक्स मैक के पैर का ऐसा दुश्मन बने, ओ माई गॉड, पोल पे मार दिया एक्स मैक का पैर हॉकबर्ग ने। एक्स मैक पे जब जिम में अटैक किया तब इनके पैर पे डंबल फेंक दिया था हॉकबर्ग ने, और अब इनके उसी ज़ख्मी पैर को ये मज़ीद ज़ख्मी करे जा रहे हैं। हॉकबर्ग की ये स्ट्रेटजी रंग लाएगी, क्या हॉकबर्ग को आज एशियन चैम्पियनशिप मिलेगी, देख लेते हैं। एक्स मैक से अब चला नहीं जा रहा, और जितना एक्स मैक जो है खाली हो चुके हैं, लेकिन ये एक्स मैक क्या कर रहे हैं, ओ माई गॉड, एक्स टर्नर बाय एक्स मैक ऑन द रोप्स। हॉकबर्ग बाहर गिर चुके हैं और रेफरी की 10 काउंट जारी है। रेफरी भी बहुत ईमानदारी का मुजाहरा कर रहा है, जबकि अमूमन स्पेशल गेस्ट रेफरी मैचेस में जहां लूचा जैसा रेफरी हो तो वहां कुछ ना कुछ तो हेर फेर होती है, लेकिन एक्स मैक की कंडीशन से नज़र आ रहा है कि ये सक्सेसफुली टाइटल डिफेंड कर लेगा, लेकिन हॉकबर्ग भी बीस्ट है, इस तरह अपनी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं होने देगा। हॉकबर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वापस आ गया रिंग में, और ये एक्स मैक इज़ गोइंग फॉर द एक्सटर्नर, और ये एक्सटर्नर बाय एक्स मैक, और हॉकबर्ग तो एक कोने से दूसरे कोने पे जा गिरे, एंड ही इज गोइंग फॉर द विन, 1 2 3, हियर इज योर विनर एंड स्टिल आरईडब्ल्यू एशियन चैंपियन एक्स मैक।
वाओ, ये एपिसोड तो बहुत ही सनसनीखेज गया है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड तक मैच कार्ड मजीद स्ट्रांग होने वाला है, और नेक्स्ट एपिसोड तक जाने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार मैच कार्ड का। लेकिन मैं आपसे लूंगी यहां इजाजत, टिल आवर नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज। आसान बेटा जीता, मगर बेटा होशियार है ना, उससे वो दरिंदा घूम रहा है तुम्हें देख रहा, तराश कर रहा है तुम्हें मुकाबले के लिए, हिम्मत नहीं हारना। जी अम्मी सही कह रही हैं आप, एक्समैन को हराना इतना आसान है।